तो आज का फ्रेंड्स रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि मेरी ये रेसिपी मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के साथ मैंने मशरूम की सब्जी शेयर किया हुआ है। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लिए हैं मशरूम, तो मशरूम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दो लिए हैं, दो डिब्बे लिए हैं, यानी ये मेरा 500 ग्राम है, 250 ग्राम का एक है, पैकेट में ही ये तो आता है। तो यहाँ पे मेरे आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से ले सकती हैं, ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मशरूम को जो है बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोग वॉच करते रहिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मशरूम बड़े हैं तो उसमें हम 4 टुकड़े कर लेंगे और जो छोटे हैं उसमें 2 टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 4 टुकड़े कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ मशरूम की सब्जी शेयर करेंगे। तो मशरूम की तो सभी लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, सबका अलग अलग तरीका है बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी मशरूम को कट कर लिया है और अब इसे जो है इसे हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस ऑन करके पानी जो है कढ़ाई में हम चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर हम 2 गिलास पानी रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो पानी हमारा बॉईल हो रहा है और इसी में हम मशरूम को डालकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से फ्रेंड्स इसमें जितनी भी गंदगी है ना ये सभी गंदगी निकल जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी में ही होते हैं तो मिट्टी सारे बाहर निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से बिल्कुल साफ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बॉईल हो चुका है, आप देख सकती हैं पानी बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें गंदगी होता है तो वो सारा निकल गया है। और बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं करना है, 2 से 4 मिनट ही हम करेंगे। और देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से हो गया कलर, आप देख सकती हैं पानी का बिल्कुल गंदा पानी हो रहा है। तो यहाँ पे हम मशरूम को निकाल लिए हैं फ्रेंड्स और फिर से कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, तो बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर तेल डाल दिए हैं। तो तेल तो हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम जो है मशरूम जो बॉयल करके रखे हैं उसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है, कलर इसका देख सकती हैं चेंज हो गया है। तो इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। तो सभी मशरूम को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से और अब यहाँ पे फिर से हम तेल डाल दिए हैं और तेल में डालते हैं 2 तेज पत्ता लिए हैं। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं खड़ा जीरा, साबुत जीरा जो होता है उसे डाले हैं 1 चम्मच। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं हींग, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो जीरा को चटकने देते हैं, जीरा यहाँ पे हमारा चटकने लगा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्याज कट कर लिए हैं, तो प्याज हम यहाँ पे 3 कट किए हैं, स्लाइस में काट लिए हैं। और यहाँ पर जो है प्याज को अब हम हल्का सा गोल्डन होने देंगे, तो देखिए हो गया है। और कुछ खड़े मसाले लिए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जावित्री लिए हैं, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची लिए हैं, 1 बड़ी, और 2 से 3 लौंग लिए हैं। इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, तो खड़ा मसाला हम डाल दिए। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं मसाले, तो 1 चम्मच हम लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर लिए हैं 2 चम्मच, धनिया पाउडर अधिक रखना है मात्रा। और यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्स मसाला जो आते हैं ना सब्जी मसाले, वो 2 चम्मच ले लिए हैं। तो सभी मसाले को डालकर और इसमें अब थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाला भूनने में आसानी होगा और मसाला हमारा जलेगा नहीं। तो
तो यहाँ पर जो है पानी डाल दिए हैं। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और यहाँ पे एक चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट अनुसार अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा या कम कर सकती हैं फ्रेंड्स। मशरूम तो आप सभी लोगों ने बनाया होगा, कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का प्योरी बना लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 3 टमाटर मैंने पहले से इसे कर लिया था, ग्रेन आपको नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि 3 टमाटर को जो है मैंने पीसकर इसका पेस्ट बना लिया, यानी प्योरी बना लिया है। अब इसे हम मसाले को बिल्कुल बढ़िया से भूनेंगे ना। मसाला अगर भुना हो ना फ्रेंड्स तो उसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पर हम 5 से 6 हरी मिर्च डाल दिए हैं। तो हरी मिर्च हम यहाँ पे खड़ा ही डाले हैं, इसे कट नहीं किए हैं। तो अब देखिए इसका कलर आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यकीन बता रहे हैं बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनी थी। जो भी मेरे यहाँ खाए सभी लोगों ने तारीफ किया था, मशरूम की सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। और मसाले में मैंने बहुत ही कम यूज किया है, आपने देखा। और अब इसी के साथ हम मशरूम को डाल देंगे, जो फ्राई करके रखे हैं ना उसे डाल देते हैं और 2 मिनट अच्छे से मसाले के साथ इसे भून लेंगे, ताकि मसाला जो है इसके अंदर तक हो जाए और बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। तो आप लोग बना कर देखिएगा, सभी लोग अंगुलियां चाट चाट कर खा जाएंगे, सब्जी कम पड़ जाएगी, इतना टेस्टी ये सब्जी बनेगा। तो इसी के साथ हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आप कैसा रखना चाहती हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा, गाढ़ा करना चाहती हैं या थोड़ा सा पतला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा पतला ग्रेवी रखा है, क्योंकि मैंने इसे चावल के साथ मेरे यहाँ सभी लोगों ने इसे शेयर किया था, तो सभी लोगों ने इसे चावल के साथ खाया था। अब इसे हम लिड लगा करके ढक देते हैं, लिड लगा करके इसे 2 मिनट तक पकाते हैं। और ये देख सकती हैं फ्रेंड्स आप सब्जी का कलर देख सकती हैं, देखकर ही आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, कितना टेस्टी ये सब्जी बना है। और मसाले भी आप लोगों ने देखा था कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया था मसाला, बस एक पैकेट, छोटा पैकेट जो आता है ना 5 रुपया वाला सब्जी मसाला, बस वही मैंने लिया था। और कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस यही सब्जी में मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ये सब्जी बना के देखिएगा, तो इसका लुक आप लोग देख सकती हैं, बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स ये सब्जी बनकर तैयार हुआ है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे सर्व करते हैं सब्जी, तो आप लोग इसे इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ सब्जी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।